सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो फाइनली फाइनली गाइस यामा ने लॉन्च करने जा रहा है, यामा R9 को लॉन्च करने जा रहा है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। बट यहाँ पे गाइस कब तक लॉन्च होगा वो भी हम लोग बताएंगे, साथ में बताएंगे यामा R9 के अंदर क्या कुछ फीचर्स, प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सारे कुछ बताएंगे आज का वीडियो के अंदर। सो गाइस जल्दी जल्दी भाई वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को बस ये वीडियो को शेयर करो। सबसे पहले गाइस यहाँ पे इंजन कैपेसिटी को लेकर बताएंगे, तो ये बाइक के अंदर कंपनी यूज करेगा 900 cc लिक्विड कूल और 12 वोल्ट का इंजन यूज किया, और ये बाइक के अंदर गाइस यूज किया 3 सिलेंडर का इंजन। 3 सिलेंडर का होने के बाद भी इसके अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से पावर देख सकते हो, और साथ में गाइस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर देखने को मिलेगा जो सारे बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। Z900 एंड ऐसा जो कैटेगरी के अंदर बाइक है, ये बाइक के अंदर इतना ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे यामा R9 के अंदर एक स्पोर्ट बाइक है, और ये स्पोर्ट बाइक होने के बाद भी बाइक का लुक तो कैसा लग रहा है OBR कमेंट करके बता देना, और साथ में फीचर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो। और गाइस बाइक का BHP को लेकर बताएंगे, तो 120 BHP साथ में 10,000 RPM के साथ, और ये बाइक के अंदर कंपनी यूज किया 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच के साथ देखने मिलेगा। और सबसे जो मेन जो बात है, 3 कलर के साथ देखने मिलेगा, जैसे ब्लैक कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लू कलर के साथ देखने मिलेगा। टोटल आप लोग यहाँ पे 3 कलर के साथ ये बाइक अवेलेबल देख सकते हो। बाइक का टॉप स्पीड को लेकर बताएंगे, 230 किलोमीटर टॉप स्पीड देख सकते हो, और इनिशियल पिकअप को लेकर बताएंगे तो 0 to 100 को लेकर ऑनली फॉर 3.8 सेकंड के अंदर 0 to 100 पकड़ लेगा। और मेन जो बात है बाइक सस्पेंशन को लेके बताएंगे, तो सामने मतलब फ्रंट या पे यूटी सस्पेंशन देख सकते हो, मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन और रियर या पे मोनोशॉक देखने मिलेगा। तो सबसे जो मेन जो बात है, बहुत सारा मन देखा गाइस एक ही क्वेश्चन रहता है, यूटी सस्पेंशन का काम क्या होता है। इसके अंदर तुम लोगों को ब्रेकिंग कंट्रोल अच्छा हो जाता है, कॉर्नरिंग अच्छा हो जाता है, और कंट्रोलिंग या पे बहुत तकड़ा वाला हो जाता है। तो इसीलिए गाइस सब लोग डिमांड करता है भाई सारे बाइक के अंदर यूटी सस्पेंशन देने के लिए। और ब्रेकिंग सिस्टम को लेके बताएंगे, तो ड्यूअल चैनल ABS मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और ये बाइक के अंदर कंपनी एक बहुत पावरफुल ब्रेकिंग सिस्टम मिनसुल कर दिया। जैसे डिस्कस साइज को लेके बताएंगे, तो सामने मतलब फ्रंट या पे 300 mm और रियर पे 245 mm डिस्कस साइज देख सकते हो, और ये भी गाइस बहुत पावरफुल ब्रेकिंग के साथ मतलब नाइस ब्रेकिंग कंट्रोल देख सकते हो। और बाइक का टायर साइज को लेके बताएंगे, तो सामने का टायर मतलब फ्रंट या पे 120x70x70 देखने मिलेगा, और रियर टायर मतलब पीछे का टायर होगा 180x55x70 देखने मिलेगा। और अभी हम लोग गाइस बताएंगे बाइक का लाइटिंग सिस्टम को लेकर, सामने LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैंप देखने मिलेगा, साइड एंड का ट्रैफिक LED और पीछे का टेल लाइट LED, और मीटर कैपेसिटी को लेकर बताएंगे, तो डिजिटल LCD कलरफुल TFT मीटर भी देखने मिलेगा। मतलब बाइक के अंदर जो फीचर्स है ना, फीचर्स तो भाई A1 फीचर्स बोल सकते हो, और लुकिंग भी तुम लोग को बहुत अच्छा तरीके से देखने मिलेगा। तो अभी हम लोग गाइस बताएंगे बाइक का ऑन रोड प्राइस बताएंगे, साथ में बताएंगे बाइक के अंदर लॉन्च डेट। सो गाइस प्राइस को लेकर बताएंगे, ये जो बाइक का प्राइस है ना 10 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, 10 से 12 लाख के अंदर हो सकता है ऑन रोड प्राइस इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। तो अभी जो मेन जो बात है लॉन्च डेट को लेकर, सो गाइस ये जो बाइक है ना, ये हमने गाइस कंफर्म कर दिया, यामा R9 को लॉन्च कर देगा इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर, और साथ में गाइस लॉन्च तो भाई कमिंग सून है 2024 के अंदर लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा हो भी यार कमेंट करके बता देना। सो गाइस चलिए आज का वीडियो इतना ही, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।